रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एज स्किल। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की डिफिनीशन हम करेंगे और कंप्यूटर के रिलेटेड हम कुछ वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास है उसका ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होगा, ठीक है। आज हम सिर्फ कंप्यूटर के डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज अ कंप्यूटर? So, computer is derived from a Latin word computer, which means to calculate or to count or to think. देखें, रट्टा बट्टा जो है वो आपने नहीं लगा देना है, आपने सिंपल अपना कंसेप्ट क्लियर कर देना है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमारे पास जो कंप्यूटर का वर्ड है वो तो आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, कंप्यूटर से ये डिराइव किया गया है, ठीक है। कंप्यूटर एक लैटिन वर्ड है और कंप्यूटर का जो वर्ड है वो कंप्यूटर से लिया गया है और इसका मतलब है कि किसी चीज़ को कैलकुलेट कर देना, सोच कर देना या किसी चीज़ को काउंट कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को सिंपली फर्स्ट ये बता देता हूँ कि कंप्यूटर क्या है। सिंपल आप लोगों ने अपना कंसेप्ट क्लियर करवा देना है, ठीक है। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करता है, जिसे हम इनपुट देते हैं वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, ठीक है। और उस प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिजल्ट जो है वो शो करवा देता है, आउटपुट देता है हमें, और वो आउटपुट अगर हम चाहे तो वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये बेसिकली कंप्यूटर का डिफिनीशन है, ठीक है। तो अब हम इसको इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स और ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट ओन मेमोरी। इट कैन एक्सेप्ट डेटा इनपुट, प्रोसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल्स, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन आउटपुट, इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। देखिए, कंप्यूटर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, जो वर्क करता है या ऑपरेटिंग करता है किस चीज के अंडर, इंस्ट्रक्शन के, मीन के कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, इनपुट के फॉर्म में। वो उन इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, उसे प्रोसेस कर देता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रूल, मीन के वो जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं फिर कंप्यूटर उसके इंस्ट्रक्शन को जांचता है कि यहाँ पर अब हमें क्या जो है वो और रूल्स अपने अप्लाई कर देने हैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर, ठीक है। फिर उन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है प्रोसेस करने के बाद। सो बेसिकली जो हमारे पास सेकंड डिफिनीशन है वो आप लोगों को मे बी थोड़ा इजी हो उसको मेमोराइज करने के को, ठीक है। वो है कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड गिव अस द आउटपुट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन और डेटा इन मेमोरी। ओके, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे हमसे इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस कर देता है और हमें आउटपुट देता है और उस आउटपुट को स्टोर करने की फैसिलिटी कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। आप लोगों को मैं दोबारा कहता हूँ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट लेता है, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस द इनपुट एंड गिव अस द आउटपुट। अब आउटपुट जो हमें देगा कंप्यूटर, तो वो इंस्ट्रक्शन जो वो आउटपुट हमें देगा, ठीक है, वो किस चीज पर बेस्ड होगा? वो इनपुट पर बेस्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनपुट कंप्यूटर को दो 2+2, तो अब ये 2+2 ऑपरेट होगा, ठीक है। कंप्यूटर इसको ऑपरेट करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो 4 आएगा। तो जो इंस्ट्रक्शन या जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसके बिना पर, उसके अंडर और उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो अपना प्रोसेस करता है, ठीक है कंप्यूटर, और फिर उस प्रोसेस करने मीन जो हम इनपुट देते हैं उसे प्रोसेस करने के बाद हमें वो डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। सो कंप्यूटर हमारे पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट लेता है, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करवा देता है और उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है, और अगर हम चाहें तो वो आउटपुट या मीन जो आउटपुट हमें डिस्प्ले होता है, ठीक है, उसको हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। सिंपल ये था कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर स्टैंड्स पर ये क्या है, मीन कंप्यूटर का ये जो वर्ड है, ठीक है, ये तकरीबन 8 लेटर्स से बना हुआ है, ठीक है, मीन COMPUTR, ये हमारे पास 8 लेटर्स है, ठीक है। अब सी मीन कॉमन, ओ मीन ऑपरेटिंग, एम मीन मशीन, फीमर परपजली यूज टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। मीन कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर व्हाट?
कॉमन ऑपरेटिंग मशीन परपजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये जो कंप्यूटर का वर्ड है, ठीक है, ये जो लेटर्स है, हर लेटर का अपना एक वो होता है, ठीक है, अपना एक मतलब है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का क्लास जो है आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह कंप्यूटर के जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट कंप्यूटर था आज से तकरीबन 5000 ईयर्स अगो वो था एबेकस, ठीक है। तो उस जमाने में वो लोग जो हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर कहलाता है एबेकस, तो बेसिकली कंप्यूटर कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते थे उस जमाने में, ठीक है। लाइक एबेकस इस तरह का एक मशीन था, उसमें कुछ वो होते थे, मैं आप लोगों को पिक्चर साइड में शो करवा दूंगा, ठीक है। तो उस मशीन के थ्रू लोग क्या करते थे कि काउंट करते थे सिंपल, ठीक है, कैलकुलेशन करते थे, सब्ट्रैक्शन एडिशन करते थे, ठीक है। तो वो कंप्यूटर की फिर जो हिस्ट्री है वो हम डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा जो कंप्यूटर है और उस जमाने का जो कंप्यूटर था उसके रिलेटेड जितने भी जनरेशन गुजरे हैं, जितने भी स्टेप बाय स्टेप हम वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, ये हमारे पास क्या है कीबोर्ड, ये हमारे पास क्या है माउस, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या इसके अलावा जॉयस्टिक वगैरह वो होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कंप्यूटर को इनपुट दूँ 2+2, ठीक है, तो ये आंसर, ये मैंने इनपुट दिया, कंप्यूटर इसको प्रोसेस कर देगा और फिर प्रोसेस करने के बाद हमें जो आंसर डिस्प्ले होगा वो फिर आउटपुट होगा, ठीक है। तो हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। उम्मीद करता हूँ कुछ इशू नहीं होगा, ये सब आपको आपका माइंड जो है इसके बारे में क्लियर हुआ हो चुका होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक कमेंट एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो सॉरी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। गला यार गया, ठीक है, थोड़ा बुखार भी है इस वजह से। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आज के क्लास के रिलेटेड हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर वहाँ पर आंसर दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर मिस एनी क्लास, ओके।